बार की इस हफ्ते की 50वें हफ्ते की टॉप 10 टीवी शोज की लिस्ट सामने आ चुकी है। ऐसे में जल्दी से आपको बताते हैं कि इस हफ्ते किस शो ने कितनी रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं और कौन बना है नंबर 1 शो। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो 10वें पोजीशन पर है सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल विद 1.7 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 9 के पायदान पर है सब टीवी का कॉमेडी और पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। 8वें नंबर के पायदान पर आए शो की बात की जाए तो इस पोजीशन पर है कलर्स टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस 16 जिसने हासिल किए हैं 1.9 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 7 पर है स्टार प्लस का शो फालतू जिसको मिले हैं 2.0 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं छठा पायदान अपने नाम किया है स्टार प्लस के शो पांड्या स्टोर ने। इस हफ्ते एक बार फिर से शो ने टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई है और शो ने हासिल किए हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं उन टीवी शोज की जिन्होंने टॉप 5 की लिस्ट में बनाई है जगह। तो 5वें पायदान पर है स्टार प्लस का शो ये है चाहते। हाल ही में इस शो में जनरेशन ले पाया है जिसकी वजह से ये शो काफी लाइमलाइट में बना हुआ है। इस हफ्ते शो ने हासिल किए हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं 4थे पायदान पर है स्टार प्लस का पॉपुलर रियलिटी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। राजन शाही के इस शो ने इस वीक हासिल किए हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं नंबर 3 के पायदान पर इस हफ्ते है स्टार प्लस का ही शो इमली। जी हाँ, एक बार फिर से इस शो ने लिस्ट में जगह बनाते हुए अच्छे रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं जो कि है 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 2 के पायदान पर आए शो की बात की जाए तो इस पोजीशन पर है नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह स्टारर शो गुम है किसी के प्यार में। एक बार फिर से शो ने टॉप पोजीशन हासिल करते हुए अच्छे रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं और इस हफ्ते शो को मिले हैं 2.7 रेटिंग पॉइंट्स। बात करें नंबर 1 पर आए शो की तो इस पोजीशन पर है अनुपमा। एक बार फिर से रूपाली गांगुली स्टारर शो अनुपमा ने कमाल करते हुए नंबर 1 का रैंक अपने नाम कर लिया है और सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। शो को इस हफ्ते मिले हैं 2.8 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, तो ये है इस हफ्ते के टॉप 10 टीवी शोज की रिपोर्ट।